हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, आज मैं आपको स्किबिस के बारे में बताऊंगा। बहुत कॉमन कंडीशन है। क्यों होता है ये, क्या इसके लक्षण हैं, सिम्टम्स क्या है, कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं इसकी और कैसे इसका इलाज करते हैं। तो स्किबिस जो होता है ये एक माइट के द्वारा होता है। इस माइट का नाम है साइकोप्टेसिस स्केबियाई। ये देखिए आपको स्किबिस है, इसमें आप देख सकते हैं ये इसका कारण है। ये एक तरह का माइट है और एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। एक बार एक को हो जाएगा तो घर में फिर सबको होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत ये वैसे कंडीशन में जहाँ पाया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं, छोटे कमरे में रहते हैं या एक कमरे को में ही कई लोग रहते हैं, एक बेड को कई लोग शेयर करते हैं। जैसे हॉस्टल्स में बॉयज़ रहते हैं एक साथ, गर्ल्स रहते हैं, तो कई बेड्स होते हैं, तो वहाँ पर ये एक दूसरे को आता रहता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको दिखाई जाऊँगी माइट की फोटोग्राफ है इसकी, इससे आप देख के देख सकते हैं। ठीक है, ये माइट है इसकी। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें पांच चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसके फाइव पॉइंट्स होते हैं स्केबीज की। पहला पॉइंट होता है कि ये स्केबीज गर्दन से नीचे नीचे होती है जनरली। दूसरा, जेनिटल्स के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है ये। तीसरा, फिंगर के वेब स्पेस में, फिंगर में या टोज के वेब स्पेस में पाई जाएगी। चौथा, घर में सबको होती है, और एक को हो जाएगी तो एक से दूसरे को हो जाएगी। पाँचवा, रात में ज़्यादा होती है इसकी इचिंग जो होती है, रात में ज़्यादा होती है। पांच लक्षण के या पांच सिम्टम्स के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, किस डिसीज़ के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, किस डिसीज़ के साथ हम इसको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस के साथ। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा जिससे आप इसको डिफ्रेंशिएट बड़ा ईजिली कर लेंगे। जो निक्कर और शर्ट के अंदर वाले हिस्से में होगी बीमारी, अगर एलर्जी है तो उसको स्केबीज की तरफ ले जाएंगे, और अगर उस हिस्से में निक्कर और शर्ट वाले हिस्से में नहीं होगी, एक्सपोज एरिया में होगी, हैंड्स में होगी, लेग्स में होगी, हाथ में तो होगी, दोनों कंडीशन में हो जाएगी, फेस पे ज़्यादा होगी, तो उसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस की तरफ ले जाएंगे। वैसे स्केबीज बच्चों के फेस पर भी होती है और सर पर भी होती है, इसका ख्याल रखना होगा। बड़े लोगों में गर्दन से नीचे नीचे होती है, बच्चों में फेस के ऊपर भी और सर के ऊपर भी होती है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है, ट्रीटमेंट के लिए इसके जो बहुत सारी चीज़ें पहले आती थी, गामा बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, लिंडेन, लेकिन अब सब चीज़ों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब केवल एक सिंगल इसका सॉल्यूशन है, दैट इज परमेथ्रिन 5% सॉल्यूशन। ठीक है, क्रीम बेस में भी आता है, लोशन फॉर्म में भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रीम आती है 5%, आप देख सकते हैं परमेथ्रिन 5% क्रीम, तो 30 ग्राम क्रीम है ये। इसकी डोज जो होती है एडल्ट्स के लिए 30 ग्राम होती है। तो आपको एक सिंगल एप्लीकेशन में गर्दन से नीचे नीचे पूरी बॉडी में एक इंच भी शरीर का हिस्सा बचना नहीं चाहिए, फिंगर के वेब स्पेस में, पैरों में, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, बगल में, थाइज में, स्क्रॉटम पर, एब्डोमेन पर, बैक में, सब जगह इसको नाइट में लगाना है, और 8 to 10 hours तक नाइट में इसको लगा के रखना होता है। ठीक है, मॉर्निंग में आप गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं या इस मौसम में ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, और परमेथ्रिन का ही हमें सोप चाहिए होगा इसके लिए। तो ये पूरा कोर्स हमें एक बार में करना होता है, और फिर इसके बाद आफ्टर 7 days फिर इसको रिपीट करना होता है। तो ये जो कोर्स करना होगा ये घर में सब लोगों को एक साथ लगाना होगा। अगर किसी ने आज लगाया तो देखो कल फिर दूसरे लगा लेगा, तो उसकी माइट उसको आ जाएगी, उसकी माइट इसको आ जाएगी। इसकी माइट का एक साइकिल मैं आपको बता देता हूँ। जो ये सार्कोप्टेसिस स्केबियाई होती है ये 4 दिन में एग्स दे देती है, ठीक, और 9 दिन के बाद उसमें से एग्स में से लार्वा हैच आउट कर जाते हैं। तो अगर आपने 7वें दिन रिपीट करोगे आप, तो जितने एग्स दिए होंगे एग्स नहीं मरेंगे, लेकिन जो उसके लार्वा होंगे वो मर जाएंगे। ठीक, तो अगर आपने 7वें दिन नहीं लगाया तो 10वें दिन आज आपने लगा दिया, ठीक है, आज हमने मेडिसिन लगाई है 1 तारीख को, ठीक, अब 7 तारीख को हमें रिपीट इसलिए करना है क्योंकि 4 तारीख को उसके अंडों में से लार्वा हैच आउट कर जाते हैं। तो लार्वा को हम 7 तारीख को ही मार सकते हैं। अगर हमने 10 तारीख को लगाया तो 10 तारीख तक वो लार्वा जो 4th को निकले थे वो फिर से एग्स दे देंगे, और आपने 10 तारीख को लगाया तो एग्स फिर भी बच जाएंगे उसके, समझे। तो 1 तारीख को लगाना है, फिर 7 तारीख को लगाना है जब लार्वा निकल आएंगे अंडों में से, लेकिन आगे अंडे वो जब तक नहीं दे पाएंगे तो हमारे लार्वा भी मर गए जो पुराने एग्स थे, और जो उससे पहले वाले एप्लीकेशन में हमने जितनी भी माइट्स थी उसको मार दिया। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वीकली इसको लगाते जाओ, और आप इसको प्रिकॉशन के तौर पर 2 बार लगा दो, 4 बार लगा दो, आप 4 वीक्स तक इसको कंटिन्यू कर लो, लेकिन घर में सबको लगाना है, पूरी बॉडी में। कई पेशेंट्स क्या गड़बड़ी करते हैं कि मेडिसिन एक क्रीम ले गए,
थोड़ी सी यहाँ लगा ली, थोड़ी यहाँ लगा ली, थोड़ी अगली बार के लिए बचा दी, एक क्रीम ले गई घर में सब लोगों ने लगा दी, मम्मी ने लगाई तो बच्चे को अपने उसमें लगा दी, लेकिन इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। ये बहुत सस्ती क्रीम है, 50-60 रुपये क्रीम आती है ये, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक बार में ही सॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो इसमें आप पहले ही आपको करना है, और जो कपड़े जो कई लोग क्या करते हैं डिटॉल से धो देते हैं, गर्म पानी से धो देते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। कपड़ों को या तो आपको बॉयल करना पड़ेगा, बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेंगे तब इसकी माइट मरेंगी, ठीक है। गर्म पानी में धोने से या डिटॉल में डाल के उबालने से, डिटॉल छल देने से या धूप में सुखा देने से उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो केवल ये परमेथ्रिन क्रीम ही हेल्प करेगी। इसमें गर्दन से नीचे लगाएं, बच्चे के फेस पर भी लगा सकते हैं, बच्चे के सर पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डोज का क्या होता है, बड़े लोगों में 30 ग्राम लगाया जो 2 महीने का बच्चा है, और ये हाँ ये प्रेगनेंसी में भी सेफ होती है, 2 महीने के बच्चे को भी आप लगा सकते हैं। 2 महीने का बच्चा होगा, बहुत छोटा सा बच्चा होगा, उसको आप लगाएंगे 5 ग्राम, एक चम्मच दवाई निकालें, ठीक है, एक चम्मच दवाई निकालें और पूरी बॉडी पे उसको लेप कर दें। बच्चा 2 साल का होगा, आप 7.5 ग्राम लगा लो, मीन्स 1/4, 7.5 ग्राम का मतलब 1/4 क्रीम एक बार में, फिर 5 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद ऐसे रिपीट कर लो। 12 साल का या 11 साल का बच्चा होगा, आधी ट्यूब लगा दो, जैसे उसका बॉडी सरफेस एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्रीम लगानी है, ठीक है। इसमें कोई कोताही नहीं करनी है, और आप मल्टीपल सेशन इसके करा सकते हैं, चाहे 2 बार लगा ले, 4 बार लगा ले, 6 बार लगा ले, कोई साइड इफेक्ट तो उसका है नहीं, जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी में भी सेफ होती है, और ये ट्रीटमेंट करना ही करना है, इसके बिना आप इसके भी इसके माइट को नहीं मार सकते, ठीक है। तो आप इसको कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे दोबारा कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।